हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल भाई। आज मैं बात करने वाला बॉक्स कलवर्ट के बारे में। आखिर बॉक्स कलवर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो चीज हम जानेंगे वीडियो में आगे तक बने रहे। तो एक हमारा बॉक्स कलवर्ट कहने का मतलब है हमारा बॉक्स टाइप है। तो ये देख सकते हैं हमारा बॉक्स टाइप है, उसमें क्या होता है, ये पोर्सन हमारा बॉटम पोर्सन हमारा राफ्ट होता है, ये हॉन्च होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हॉन्च है राफ्ट हॉन्च, और ये दोनों साइड जो वाल रहता है हमारा उसको अबटमेंट बोलते हैं, उसको हम नेमिंग किए A1 और अपार्टमेंट नंबर A2। उसके बाद हमारे टॉप में भी यहाँ पे हॉन्च आता है और उसके ऊपर हमारा एक स्लैब आता है। तो अब बात आती है कि हम बॉक्स कलवर्ट कितने हाइट तक हमारा जो क्लियर हाइट है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं अपार्टमेंट का इनर फेस यानी वॉल का, ये हमारा आउटर फेस है और ये हमारा इनर फेस है। उसी तरीके से यहाँ पे अपार्टमेंट का ये आउटर फेस है और ये हमारा इनर फेस है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा इनर फेस टू इनर फेस यानी A1 का इनर से इनर, यानी A1 इसको बोल रहे हैं और A2 इस चीज को बोल रहे हैं, तो A1 का इनर फेस टू A2 का इनर फेस इसको बोलते हैं क्लियर स्पान। और हमारा जो राफ्ट का टॉप है, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन हमारा राफ्ट का है, राफ्ट का टॉप और स्लैब का जो बॉटम है उसको हम बोलते हैं क्लियर हाइट। अब बात आती है कि क्लियर हाइट कितने हाइट तक रहेगा तो हम बॉक्स कलवर्ट बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियर हाइट लेस देन इक्वल टू 6 मीटर, यानी कहने का मतलब है कि 6 मीटर और 6 मीटर से कम होगा तो हम क्या करेंगे, बॉक्स कलवर्ट बनाएंगे। या उसी को कह सकते हैं कि लेस देन 20 फीट, मतलब 20 फीट के नीचे। उसी तरीके से क्लियर स्पान यानी वॉल इनर टू इनर, यानी क्लियर स्पान जो है लेस देन इक्वल टू 6 मीटर है। तो कहने का मतलब है इसका कि नॉट मोर देन 6 मीटर, यानी 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने पे हम उसके आगे ब्रिज का निर्माण करते हैं, यानी ब्रिज बनाते हैं, न कि बॉक्स कलवर्ट बनाते हैं। तो और ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।